यूपी बोर्ड कॉपियों की जांच पूरी, छात्रों की बड़ी दुकदुकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी कुछ मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पिछले साल यूपी बोर्ड का रिजल्ट किस तरीके से था, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपका रिजल्ट किस दिन जारी हो रहा है। पूरा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखो, ये खबर आ रही है आज तक से, तो मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझाता हूँ। वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको सभी बातें क्लियर हो सकेंगी। तो यूपी बोर्ड तारीख को आ सकते हैं परिणाम, तो आइए देखते हैं डिटेल्स में। उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम 20 अप्रैल से पहले तक जारी हो सकते हैं, क्योंकि 10वीं 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन राज्य के आधे से अधिक जिलों में पूरा हो चुका है। वहीं पूरे प्रक्रिया 25 मार्च तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बोर्ड के आधिकारिक रिजल्ट की तैयारी में लग जाएंगे। बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि 20 अप्रैल से पहले परिणाम घोषित करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और यहां पर देख लो, यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्रक्रिया जो 8 मार्च को शुरू हो गई थी, उन्हें 15 दिनों के भीतर 23 मार्च को पूरा किया जाना था, लेकिन 2 दिन की होली की छुट्टी के कारण अब वे 25 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। अब देख लो कौन कौन से जिले में पूरी कॉपियां चेक हो चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश के मऊ, बिजनौर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, प्रतापगढ़ आदि सहित राज्य के कई जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, जबकि राज्य के शेष जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन लगभग 95% मूल्यांकन किया गया है, जल्द वह भी पूरा करने के कगार पर है, ठीक है। तो यहां पर 1 महीना उन्हें लगेगा परिणाम तैयार कर सके। बोर्ड के अनुसार 230 मूल्यांकन केंद्रों पर, मैं आपको दिखा देता हूं कैसा था यूपी बोर्ड का पिछले साल का रिजल्ट। पिछले साल यूपी बोर्ड ने 29 अप्रैल 2018 को कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे, जिसमें लगभग 75.16% छात्रों ने कक्षा 10 की परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी, जहां लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 78.81% था, वहीं लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 72.27 था। बता दें कि इस साल यूपी बोर्ड की हाई स्कूल यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा कुल 14 दिनों में पूरी होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी, जबकि इंटरमीडिएट यानी 12वीं बोर्ड की परीक्षा कुल 16 दिनों में पूरी होकर 2 मार्च को खत्म हो गई थी। 10वीं की परीक्षा में 31,95,603 छात्रों ने पंजीकरण किया था, वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 26,11,319 छात्रों ने पंजीकरण किया था। तो देख लो, आपका रिजल्ट 20 अप्रैल तक हर हालत में जारी करने की पूरी उम्मीद है। देखो, यहां पर 20 अप्रैल से पहले परिणाम घोषित करने की कोशिश एकदम की जा रही है, ठीक है। तो देखो, इन जिलों में आपका मूल्यांकन का काम पूरा हो गया, पूरी कॉपियां जो आप पेपर देकर लिख कर आए हो चेक हो चुकी है, और जो भी जिले बच चुके उनमें 95% तक काम हो चुका है कॉपी चेक करने का, ठीक है। और यहां पर अब आपको मेन टेंशन है कॉपी का रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे एक टीचर साथी है, मतलब वो बता रहे थे कि मतलब एकदम लीनियर मार्किंग हो रही है, तो आप सभी को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल चुनाव भी है, साथ में आपको मॉडरेशन और कृपांक अंक मिलकर अगर आप कॉपी में टॉपिक से रिलेटेड कुछ लिखोगे तो आपको स्टेप मार्किंग होगी और आप आराम से पास हो सकते हो। इसलिए आप एग्जाम के जो रिजल्ट है उसकी टेंशन छोड़कर पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, ताकि आपको एंट्रेंस एग्जाम जो है उस पर क्लियर कर सको, ताकि आप उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस दाखिला पा सको। तो उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज पसंद है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लो एंट्रेंस और यूपी बोर्ड की किसी भी लेटेस्ट वीडियोज़ को तुरंत पाने के लिए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।